मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में बहन मायती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में बहन मायती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं लखनऊ में जहाँ पे राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए राहुल जी, उधर जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तस्वीर दिखाइए उधर। हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे, इस कार्यक्रम में बसपा के पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद जी आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कैसा लग रहा है सर, जहाँ हर जगह जो है बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह हो रहा जी? बौद्ध धर्म दीक्षा का समारोह पूरे देश में हो रहा है, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में बाबा साहब के सपनों का भारत, महात्मा ज्योतिराव फूले के सपनों का भारत, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों का भारत, लखनऊ में जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा समारोह हुआ, चाहे आप दीक्षा भूमि पर महाराष्ट्र में, इस तरह से तमाम जगह छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित करके जो है आज जो है बाबा साहब के सपनों का भारत, उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है अभी दिल्ली में जो है डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने 10,000 लोगों को धम्म दीक्षा दिलाई और बीजेपी आरएसएस की चूल्हे हिल गई सर जी, चूल्हे हिल गई। अभी पता चला कि उनको राजेंद्र पाल गौतम जी को जो मंत्री थे उनको मंत्री पद से हटाने का भी काम किया, अभी जानकारी हुई है। तो स्वाभाविक है, इसे लोग जो है बीजेपी आरएसएस के लोग बौखलाए हुए हैं, और 8 साल का उनका शासन था, ये सही माने में वो चाहते तो 8 साल में बहुत गुणात्मक परिवर्तन कर सकते थे, यहाँ के बहुजनों का हित कर सकते थे, लेकिन उनके मन में चाहत नहीं थी, खाली जो है लच्छेदार भाषण देना, बाबा साहेब के जयंती पर बोलना कि हम भी जो है बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हम बौद्ध में बनाना चाहते हैं, उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन 8 साल में बीजेपी आरएसएस के लोग, उनके समर्थक सही माने में बाबा साहब के का जो संविधान है उसको जो है उन्होंने पूर्ण रूप में लागू नहीं किया, ये खाली कहते हैं करते कुछ नहीं है, ये थोथी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, इस नाते कि आज भी आज़ादी के लगभग जो है 75 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप में लागू नहीं है, यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, ये मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप में लागू हो जाता आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज मानवर कांशीराम साहब की पुनर्वास दिवस है, क्या कहेंगे सर, आप तो मानव कांशीराम साहब के साथ भी काम कर चुके हैं जी। आज कांशीराम साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस सदी के महान आए जिन्होंने आवाज़ दिया दबे कुचले समाज को, और जो बाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, आज वो नहीं हैं, लेकिन उनके विचार जो उनका सपना था कि हम इस देश में जो है हुक्मरान बनाना चाहते हैं इस देश के मूलवासियों को, वो सपना आने वाले दिनों में साकार होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि यह देश जो है मूल निवासियों के हाथ में आएगा, और इसके लिए तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है, और अंत में सत्य की विजय होगी, ये असत्य पर चलने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे। माननीय बहन जी के लिए क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव आने वाला है? बहन मायती जी जो हमारी नेता हैं, मानवर कांशीराम साहब ने जो उनके हाथ में बागडोर सौंपा, मूवमेंट का सौंपा उनके हाथ में, तो बहन मायती जी की जिम्मेदारी है ये हालात को देख करके बहन जी को अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए। पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने योगदान दिया है मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, आज वो शिथिल होकर बैठे हैं, ये बहन जी की जिम्मेदारी है, बहुजन समाज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उनको जोड़ने का काम करें, और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भाग करके दूसरे दलों में जा रहे हैं उनको भी विचारों से लैस करके बहन जी की जिम्मेदारी है, उनको जो जनसंख्या के अनुपात में जो हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग जैसे 40.5% जो है उनकी संख्या है, उनको संगठन में भी हिस्सेदारी दें और MP MLA टिकटों में भी हिस्सेदारी दें, जब तक 52% बैकवर्डों को
उनका हिस्सा नहीं मिलेगा एमपी एमएलए में संगठन में, तब तक वो नहीं जुड़ पाएंगे। हमने जो महसूस किया है, संगठन चलाने चलाता रहा हूँ, आज भी चला रहा हूँ, मेरा है ये अनुभव है कि बहन जी सही माने में बहुजन समाज पार्टी में संगठन में भी 52-54% बैकवर्डों की हिस्सेदारी, अति ये अल्पसंख्यकों की भागीदारी उनके जनसंख्या कतपात में यदि वो देती हैं, एमपी एमएलए के टिकटों में भी भागीदारी देती हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ माननीय बहन जी को अब प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये उनके पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद जी कह रहे हैं। माननीय बहन जी को अब प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कब, जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, जितना टिकट देंगे तब होगी।